महिला ने फ्री में 1,50,000 ऑपरेशन और 70,000 औरतों की नॉर्मल डिलीवरी करी। मिलिए भक्ति यादव जी से, एक रियल लाइफ वंडर वुमन, सेंट्रल इंडिया की पहली MBBS डॉक्टर, एक गायनेकोलॉजिस्ट। आप यकीन करोगे, 1948 से अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक, अपनी लाइफ के 68 साल इन्होंने सबका इलाज फ्री में किया। MBBS करने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी का ऑफर रिजेक्ट कर मिल्स में काम करने वाले गरीब मजदूरों की बीवियों का इलाज करना सही समझा, वो भी बिना उनसे एक पैसा लिए। अपने पति के साथ मिलकर इन्होंने वात्सल्य नर्सिंग होम शुरू किया, जहां हर औरत, चाहे गरीब या अमीर, सबका इलाज फ्री में किया जाता। 1,50,000 से ज्यादा ऑपरेशन और 70,000 डिलीवरी से लेकर वो सारे इलाज जो ये कर सकती थी, सब फ्री में किए इन्होंने। अब आप जानते ही हो कि एक MBBS डॉक्टर अपने 68 से 70 साल के कैरियर में कितना पैसा कमा सकता है। भक्ति यादव जी चाहती तो ये भी कमा सकती थी, पर इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में निकाल दिया। अब सच बताना, आप में से कितने लोग इनके बारे में जानते थे या कभी सुना हो? पर वहीं आपसे अभी 10 हीरोइनों के नाम पूछूं तो एक सांस में बता दोगे। दोस्तों, ये है असली इन्फ्लुएंसर, असली फेस वुमेन एम्पावरमेंट का। भक्ति देवी जी के सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री से ऑनर किया गया। नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप इनकी कहानी जितना हो सके उतने लोगों तक पहुँचाएं।